Hello friends, I'm your host Ajay Yadav. Welcome you all to our channel Next 9 News. Well, दोस्तों Next 9 News की तरफ से आज एक बार फिर से लेकर हाजिर हूँ मैं अपना बेहद खास प्रोग्राम जिसका नाम है Trending Bollywood. Well, Trending Bollywood में मैं आप सभी से बात करता हूँ उन स्टार्स के बारे में जो कि इन दिनों लगातार ही ट्रेंड में बने हुए होते हैं अपनी कुछ बेहद ही खास खबरों को लेकर. तो आज के इस खास प्रोग्राम में आप सभी जानने वाले हैं अनुष्का शर्मा और विराट कोहली के बारे में. जी हाँ, बॉलीवुड का ये अडोरेबल कपल लगातार ही अपनी कुछ खबरों को लेकर इन दिनों सुर्खियों का कारण बना हुआ है. जहां अनुष्का हाल ही में स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर पहुंची थी, तो वहीं यहाँ अनुष्का ने अपने बर्थडे से लेकर अपनी शादी को मिली हुई बधाई को लेकर धन्यवाद कहा. तो वहीं उन्होंने क्या खुलासा किया अपने जन्मदिन पर, आप सभी हमारे इस रिपोर्ट में देखने वाले हैं. कैसे इन दिनों विराट और अनुष्का थोड़ा अलग अलग दिखाई दे रहे हैं, ये भी आप सभी हमारी रिपोर्ट में देखेंगे. और साथ ही आप सभी ये भी देखेंगे कि कैसे अनुष्का के जो एक्स बॉयफ्रेंड कहे जाते हैं यानी कि रणवीर सिंह, उनके घर के ही पास शिफ्ट होने वाले हैं. जी हाँ, सबसे बड़ी खबर ये भी सामने आई. और इसके अलावा अनुष्का शर्मा के घर में एक मेहमान की एंट्री हो रही है. जी हाँ, ये और कोई नहीं बल्कि शेफ हैं, एक शुद्ध शाकाहारी शेफ रखने जा रही हैं अनुष्का शर्मा, ऐसी भी खबरें बीते दिनों वायरल रहीं. पर दोस्तों, इनके अलावा कौन कौन सी खबरें अनुष्का और विराट को लेकर ट्रेंड में बनी रही हैं, आइए दिखाते हैं आप सभी को हमारे इस बेहद खास रिपोर्ट्स में. वेल, हाल ही में अनुष्का शर्मा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस में पहुंची थी और यहां पर अनुष्का ने शादी की बधाइयां लेते हुए अपने जन्मदिन पर क्या होगा इस बात के बारे में बताया. क्या कहा अनुष्का ने, आइए आपको सुनाते हैं. सबसे पहले तो हम मीडिया वालों की तरफ से आपको शादी की ढेरों सारी बधाइयां. थैंक यू. ओके, एंड नानी का किरदार देखा हमने आपको, काफ़ी डिफरेंट किरदार में आती है. कभी परी में आकर आप हमें डराती हैं, एंड देन नानी के किरदार में कैसा रहा एक्सपीरियंस नानी का? एक्चुअली पहले तो मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगी स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का, क्योंकि थ्रू देम जब हम ये एड बना रहे थे, मुझे समझ में आ गया कि मैं बूढ़ी होके कैसे दिखूँगी. एंड आई एम हैप्पी. कुछ ही दिन बाकी रह गए आपके बर्थडे को भी, तो हैप्पी बर्थडे इन एडवांस. तो हम ऐसा माने कि शादी के बाद मतलब ग्रैंड सेलिब्रेशन होने वाला है बर्थडे का. आई थिंक वी विल हैव टू गिव समबडी एल्स अ चांस आल्सो. सारे क्वेश्चंस आप पूछेंगे तो किसी को चांस नहीं मिलेगा. सर, सबको मिलेगा लास्ट. आप ही ट्रिपल रोल की तरह तीन तीन सवाल पूछे जा रहे हैं, किसी और को भी चांस दीजिए. चलिए, अगर कुछ बता सके आप. क्या बताना है कि बर्थडे तो कोई ऐसा प्लान नहीं है, और वैसे भी अभी हम यहाँ पे स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए आए हैं, सो लेट्स कीप द क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट. थैंक यू. बॉलीवुड के सबसे हॉट कपल के नाम से जाने जाने वाले अनुष्का शर्मा और विराट कोहली का प्यार तो शादी के बाद से और ज्यादा गहरा हो गया है. वहीं अब अनुष्का शर्मा पति विराट को छोड़कर अपनी फिल्म जीरो की शूटिंग के लिए शाहरुख खान के साथ अमेरिका रवाना होने जा रही हैं. लेकिन अमेरिका जाने से पहले अनुष्का शर्मा ने अपने खाने पीने का सारा बंदोबस्त भी करके जा रही हैं. अब अनुष्का ऐसा क्यों कर रही हैं, तो चलिए आपको बता ही देते हैं. जी हाँ, आपको बता दें, अनुष्का शर्मा ने एक शेफ को नौकरी पर रखा है जो उनके लिए वेज खाना बनाएगा. ये खाना एक्ट्रेस के लिए अमेरिका में होटल से लेकर शूटिंग के वक्त के लिए भी खाना तैयार करेगा. जिस तरह विराट कोहली अपनी फिटनेस को लेकर गंभीर है, उसी तरह 3 साल पहले अनुष्का ने भी अपनी लाइफस्टाइल को बदल दिया था. बता दें, अनुष्का शर्मा ने 3 साल पहले ही नॉनवेज छोड़ दिया था. ऐसा भी नहीं है कि अमेरिका में उन्हें वेज खाना नहीं मिलेगा, मगर डाइट से जुड़े इस फैसले के पीछे फिटनेस के साथ साथ धर्म भी एक कारण हो सकता है. यही वजह है कि अपने खाने पीने का अनुष्का शर्मा आए दिन पूरा ख्याल रखती हैं। बॉलीवुड के जाने माने कपल दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह पिछले कई दिनों से अपनी शादी को लेकर खबरों में बने हुए हैं. खबर ये है कि दोनों इस साल के आखिर तक शादी कर लेंगे. वहीं इन दोनों के घर वालों ने भी शादी की तैयारियां शुरू कर दी हैं. लेकिन शादी के बाद रणवीर और दीपिका पादुकोण अपना घर भी शिफ्ट करने वाले हैं. और अब आप सोच रहे होंगे कि भाई ये कपल किसके पड़ोसी बनने जा रहे हैं. जी हाँ, खबरों की माने तो ये दोनों अब शादी की शॉपिंग के बाद अब अपने लिए नया घर देख रहे हैं, और वो शादी के बाद विराट अनुष्का के पड़ोसी बनने वाले हैं. वैसे आपको बता दें, रणबीर और अनुष्का एक टाइम पर एक दूसरे को डेट कर रहे थे, लेकिन बाद में इनका ब्रेकअप हो गया था.
लेकिन अब ये दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। खबरों के मुताबिक कुछ दिन पहले दोनों घर की तलाश करते हुए वर्ली के ओमकार 1973 में पहुंचे थे। बता दें विराट अनुष्का भी इसी सोसाइटी में रहते हैं। इसी के साथ आपको बता दें रणवीर सिंह घर देखने के लिए अपने पेरेंट्स और दीपिका के साथ वर्ली के सोसाइटी में पहुंचे थे। सभी को प्रॉपर्टी बेहद पसंद आई। अगर डील फाइनल होती है तो जल्दी दोनों इस प्रॉपर्टी को खरीद सकते हैं और इस तरह दोनों विराट कोहली और अनुष्का शर्मा के नए पड़ोसी बन जाएंगे। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा एक ऐसी अभिनेत्री हैं जो कि लगातार ही खबरों में बनी रहती हैं। साथ ही आज हम आप सभी से बात करने वाले हैं हाल ही में सामने आई अनुष्का शर्मा की फोटोज के बारे में और साथ ही बताएंगे आपको कि कैसे लगातार ही फैंस हुए जा रहे हैं अनुष्का की इन्हीं फोटोज के दीवाने। जी हाँ, ये फोटोज और कोई नहीं बल्कि हाल ही में सामने आई आईपीएल की फोटोज हैं जहां अनुष्का विराट को चीयर करने के लिए गई थी। जी हाँ, अनुष्का गई तो थी विराट को चीयर करने के लिए, लेकिन वो लोगों को ही अपना दीवाना बनाकर आ गई। तस्वीरों में आप सभी देख पा रहे होंगे अनुष्का के अलग अलग एक्सप्रेशंस, जहां पति विराट को पूरे तरीके से सपोर्ट करती दिखी अनुष्का, तो वहीं अनुष्का का सपोर्ट रंग भी लाया। यहाँ तस्वीरों में आप सभी देख रहे होंगे अनुष्का के अलग ही लुक्स, जो कि सच में ही किसी को भी दीवाना बना दे। खैर, इसके अलावा जानकारी देते हैं आपको कि अब जल्द ही दिखने वाली है अनुष्का फिल्म सुई धागा के साथ और वो खबरों में रही है थी अपनी शादी को लेकर भी। अनुष्का शर्मा की अपकमिंग फिल्म सुई धागा की शूटिंग इन दिनों नई दिल्ली में चल रही है। जी हाँ, फिल्म के शूटिंग स्पॉट से कुछ फोटोज सामने आ रही हैं और इसमें से एक फोटो में फिल्म की लीड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा सिर पर पल्लू किए हुए दिख रही हैं। तो वहीं एक और फोटो में वो किसी से बात करते हुए ठहाका लगाती हुई नजर आ रही हैं। साथ ही फिल्म के हीरो वरुण धवन सीरियस मूड में नजर आ रहे हैं। खैर, फिल्म को शरद कटारिया डायरेक्ट कर रहे हैं। प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की ये फिल्म इसी साल 29 सितंबर को रिलीज होगी। दिल्ली में चल रही फिल्म सुई धागा की शूटिंग में अनुष्का देसी अवतार में नजर आई और उन्होंने शूटिंग के दौरान ऑरेंज कलर की प्रिंटेड साड़ी पहन रखी थी। साथ ही वो स्वेटर पहने हुई नजर आई। फिल्म के एक्टर वरुण धवन चेक की शर्ट और खाकी कलर की पैंट में नजर आए। बीते दिनों अनुष्का वरुण दिल्ली के शंकर मार्केट में शूटिंग करते देखे गए थे। खैर, आप सभी को ये भी बता दें कि इसके अलावा अनुष्का काफी खबरों में रही हैं अपनी शादी को लेकर भी और अब काम पर लौटने को लेकर। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म सुई धागा की शूटिंग में काफी बिजी है। तो वहीं विराट कोहली की अगर बात की जाए तो विराट अभी आईपीएल में व्यस्त हैं, लेकिन खबरों की मानी जाए तो अनुष्का अपना बर्थडे विराट के साथ ही मनाएंगी। अनुष्का 1 मई को 30 साल की हो जाएंगी। तो वहीं विराट और अनुष्का के करीबी ने पूरा प्लान बताया है। जी हाँ, विराट और अनुष्का को एक साथ बहुत कम टाइम मिलता है, इसलिए उन्होंने बर्थडे के टाइम साथ में समय बिताने का सोचा है। अनुष्का 24 अप्रैल को बेंगलुरु आ जाएंगी। बेंगलुरु में करीब एक हफ्ता विराट के साथ बिताने के बाद फिर वो फिल्म जीरो की शूटिंग के लिए यूएस रवाना हो जाएंगी। वहाँ शूटिंग करीब 1.5 महीने तक होगी। रिपोर्ट्स की मानी जाए तो जीरो में अनुष्का वैज्ञानिक बनी हुई हैं। हाल ही में अनुष्का शाहरुख खान और साथ ही साथ फिल्म के राइटर आनंद एल राय के साथ मुंबई में यूएस दूतावास गई थी। फिल्म इस साल 21 दिसंबर को रिलीज होगी। जी हाँ दोस्तों, ये थी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली से जुड़ी कुछ खबरें। और अनुष्का शर्मा को लेकर हाल ही में ये भी खबर आई कि अनुष्का शर्मा जो हैं वो फ्लाई ऑफ कर चुकी हैं अपनी फिल्म की शूटिंग के लिए। जी हाँ, जहाँ अपनी फिल्म जीरो की शूटिंग में वो व्यस्त चल रही हैं, तो वहीं वरुण धवन के साथ वो फिल्म सुई धागा को लेकर भी लगातार खबरों में हैं। जहाँ इसी फिल्म के साथ वो नजर आने वाली हैं, तो वहीं इसके अलावा विराट कोहली अपने आईपीएल को लेकर खासा व्यस्त चल रहे हैं और अनुष्का शर्मा अपने बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स को लेकर। खैर दोस्तों, ये थी अनुष्का और विराट से जुड़ी कुछ ट्रेंडिंग खबरें, जहां इन ट्रेंडिंग खबरों में शेफ की एंट्री से लेकर रणवीर सिंह उनके पड़ोसी बनने वाले हैं, इसके अलावा स्टैंडर्ड चार्टर्ड की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने बर्थडे को लेकर क्या बोला अनुष्का ने, ये भी इन्हीं खबरों में मौजूद था। आज के इस बेहद खास प्रोग्राम ट्रेंडिंग बॉलीवुड में इतना ही। बॉलीवुड से जुड़ी तमाम खबरों के लिए स्टे ट्यून्ड टू आवर चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट।